एक बूढ़ी अम्मा छोटे से रेलवे स्टेशन में बैठी थी। उस दिन की आखिरी ट्रेन स्टेशन से जा चुकी थी। वो इस बात से अनजान थी कि दूसरी ट्रेन अब अगले दिन सुबह ही आएगी। प्लेटफार्म पर खड़े कुली ने अम्मा को देखा और कुछ सोचकर उन्हें मदद करने हेतु उनके पास पहुंचा और पूछा, माई आपको कहाँ जाना है? अम्मा ने कहा, मुझे मेरे बेटे के पास दिल्ली जाना है। कुड़ी ने बड़े अदब से कहा, अब तो यहां से दिल्ली के लिए कोई ट्रेन नहीं है अम्मा, आपको सुबह का इंतजार करना होगा, आप प्रतीक्षालय में इंतजार करें। अम्मा असहाय थी, उनके चेहरे पर शिकन थी, उन्होंने हां भर दी। अम्मा से पूछताछ की गई घर के बारे में, बेटे के बारे में। अम्मा ने कहा, मेरा बेटा रेलवे में काम करता है और दिल्ली में रहता है, मैं उसे लाड़ प्यार से लाल कहकर पुकारती हूँ, पर सब उसे लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं। बात तुरंत फैल गई, गजब हो गया। उनके बेटे तभी भारतीय रेल के कैबिनेट मंत्री थे। कुछ ही समय पश्चात एक स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म में आकर रुक गई। इधर लाल बहादुर शास्त्री जी को कुछ भी पता नहीं था, पूरी व्यवस्था भारतीय रेल ने की थी। हाँ, जब माँ अपने बेटे से मिली तो उन्होंने अपने बेटे को बड़े आश्चर्य से पूछा, बेटा तू रेलवे में क्या काम करता है रे? ये लोग मुझसे पूछे तो मैं कुछ नहीं बोल पाई। बेटे ने बड़ी नम्रता से कहा, छोटा सा काम करता हूँ माँ, बस और कुछ नहीं।